हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमा क्रिएटिव कॉर्नर। मैं हूँ उमा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सैमसंग माइक्रोवेव का रिव्यू, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। यहाँ हम इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लाइव डेमो भी देखेंगे। और हाँ, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस माइक्रोवेव का रेट 5590 रुपीज था, तो ये मुझे 10% डिस्काउंट के साथ 5031 रुपीज में रिसीव हुआ है। तो चलिए अब हम बॉक्स का ओवरव्यू और अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। बॉक्स हमें कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ था। बॉक्स में ही इसका मॉडल नंबर और MRP 10,500 और सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो चलिए अब माइक्रोवेव की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस माइक्रोवेव से रिलेटेड सारी जानकारी और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा माइक्रोवेव का टर्न टेबल, जिसे थर्माकोल में पैक किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माइक्रोवेव के ग्लास में और की पैनल में काफी अच्छे से रैप किया गया है, जिससे इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्क्रैचेस नहीं था। माइक्रोवेव के बैक साइड में सिरामिक इनेमल की कोटिंग दी गई है, जो कि इसे स्क्रैच एंड रस्ट प्रूफ बनाती है। साथ ही इसके रोलर रिंग, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव का इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स, सैमसंग सर्विस एजेंट घर आके इसका फ्री इंस्टॉलेशन एंड डेमो देते हैं, बट इसे मैंने यूजर मैनुअल से खुद ही इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे रोलर रिंग है, इसे हमें माइक्रोवेव के अंदर यहाँ पे इस जगह पे लगाना होता है, तो इसे हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए टर्न टेबल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्न टेबल के बैक साइड में इस तरीके का शेप दिया होता है, इसे कपलर में इस तरीके से अच्छे से फिट करना होता है। फिट करने के बाद आप टर्न टेबल को इस तरीके से रोटेट करके देख लें कि ये फ्रीली रोटेट हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। यहाँ पे आप माइक्रोवेव का बाहर का और अंदर का डायमेंशन देख सकते हैं। इसका कैपेसिटी 23 लीटर एंड टोटल वेट 12 केजी है। माइक्रोवेव का ब्लैक कलर इसे स्टाइलिश लुक देता है। माइक्रोवेव का डोर ओपन करने के लिए पुश बटन दिया हुआ है। यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल मेम्ब्रेन टच पैड है। माइक्रोवेव के इंटरनल एरिया की बात करें तो इसमें सिरामिक इनेमल की कोटिंग दी गई है, जो इसे स्क्रैच रेजिस्टेंस एंड इजी टू क्लीन बनाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। कंट्रोल पैनल में सबसे ऊपर डिस्प्ले ऑप्शन आ जाता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे किचन टाइम एंड क्लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे अप डाउन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम कुकिंग टाइम या वेट को अप डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेल्ट बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप बटर, चॉकलेट और शुगर को भी मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 16 प्री प्रोग्राम कुकिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स। सो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में हम कुछ ही बर्तनों का यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला है बोरोसिल। ये 100% माइक्रोवेव सेफ है। ये काफी थिक यूटेंसिल है, इसमें आप बेकिंग या फिर कुकिंग कर सकते हैं। ग्लास में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, हीट रेजिस्टेंस बाउल और ग्लास प्लेट्स, इसका यूज आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक्स के यूटेंसिल्स की बात करें तो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में माइक्रोवेव सेफ सिंबल देखकर ही माइक्रोवेव में रखना होता है। इस तरीके के चाइना के कप्स, प्लेट्स या फिर बाउल का यूज भी हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे बर्तनों का यूज ही हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी बर्तन का यूज माइक्रोवेव में नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव लाइव डेमो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉर्मल पापड़ लिया है, इसे हम माइक्रोवेव में इस तरीके से डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पे मैं जनरल कुकिंग और हीट मोड का ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हम 30 सेकंड का बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 30 सेकंड दिखा रहे हैं। अब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि पापड़ अच्छे से रोस्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं पापड़ बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप सुन सकते हैं ये कितना क्रिस्पी
हो गया है और काफी अच्छे तरीके से सिर्फ 30 सेकंड्स में भुन गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड डेमो, जिसमें हम 16 प्री प्रोग्राम्ड कुकिंग मोड्स का यूज करके मग केक बनाएंगे। इसमें हम डीफ्रोस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मग केक का बैटर ऑलरेडी रेडी कर लिया है। कप को हम एग्जैक्टली सेंटर में रख लेंगे इस तरीके से। ये पावर डीफ्रोस्ट प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केक का ऑप्शन दिया हुआ है। केक बनाने के लिए हम कंट्रोल पैनल में भी पावर डीफ्रोस्ट का बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में वन ऑप्शन आया है, यहाँ पे वन ऑप्शन मीट का ऑप्शन है, तो यहाँ हमें फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ब्रेड और केक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अप डाउन बटन से हम फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आ गया है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमें डिस्प्ले में 125 ग्राम दिखेगा, जिसमें हम अप डाउन ऑप्शन से ग्राम की मात्रा को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 625 ग्राम केक बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, इसे हम रिड्यूस करके 125 ग्राम सेलेक्ट करेंगे। माइक्रोवेव का डोर क्लोज करके स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं डिस्प्ले में 2 मिनट्स दिखा रहा है। 2 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे मग केक बनके रेडी हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे तरीके से बेक हो गया है। यहाँ हम नाइफ की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से भी पका है या नहीं। आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे तरीके से पक चुका है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी मग केक बनके रेडी हो गया है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं माइक्रोवेव के प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोवेव का एडवांटेज। इस माइक्रोवेव में है इको मोड, जो कि 40% इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है टच कीपैड, जो काफी ड्यूरेबल होता है और साथ ही इसमें चाइल्ड लॉक भी है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है CMF डिजाइन, जो कि माइक्रोवेव को और भी एलिगेंट बना देता है। सिरामिक एनिमल की कोटिंग इसे रस्ट प्रूफ, स्क्रैच प्रूफ एंड इजी टू क्लीन बनाता है। नेक्स्ट एडवांटेज मिल जाता है प्री प्रोग्राम्ड 16 रेसिपीज, जिससे हेल्दी कुकिंग किया जा सकता है। इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है कीप वार्म का, इसमें खाना बनने के बाद भी आप लंबे समय तक खाने को गर्म रख सकते हैं। इसमें आपको बटर, चॉकलेट और शुगर मेल्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें डीफ्रोस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस माइक्रोवेव का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका ग्लास काफी डार्क है। अगर ये लाइट होता तो हम क्लियरली खाना बनते हुए देखते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। इस प्राइस में ये माइक्रोवेव बहुत ही अच्छा है, ओवरऑल ये माइक्रोवेव बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।